स्टैंडिंग श्रग्स और सेटेड श्रग्स में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से श्रग्स करते हैं जिम के अंदर, कंफ्यूज रहते हैं कि बैठकर करें या फिर खड़े होकर करें। सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब आप बैठे हो या फिर स्टैंडिंग पोजीशन पे हो, इन पोजीशन से आपके शोल्डर में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। एंड जब हम बैठकर करते हैं, इट इज़ बेसिकली अ सपोर्टेड मूवमेंट। तो अगर आपके बैक में पेन है या लेग्स में पेन है या फिर नी में पेन है, तो उन सारी सिचुएशंस में, कंडीशंस में आप काफ़ी इजीली आप सीटेड शख्स कर सकते हो, जहां पर आपको स्टैंडिंग करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। इसके साथ साथ स्टैंडिंग पोजिशन में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको एंड्योरेंस भी बाय प्रोडक्ट मिलता है। मींस अब आपके जो लेग्स के मसल्स हैं, आपके बॉडी वेट को लंबे समय तक हैंडल कर सकते हैं। सीटेड पोजीशन बेसिकली स्पेशल क्लाइंट्स को रिकमेंड करवाया जाता है जिनको पेन का इशू होता है, अर्थराइटिस होता है या फिर लेग्स पेन हो रहा होता है। अदरवाइज नॉर्मल क्लाइंट्स को मैक्सिमम एक्सरसाइज स्टैंडिंग पोजिशन में ही करनी चाहिए, ये काफ़ी फार बेटर ऑप्शन रहता है।